नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के लगभग सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कोरोना संक्रमित, झारखंड के नेताओं ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय मंत्री और झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव प्रचार के बाद मंगलवार को दिल्ली लौटे थे। इसी बीच उन्हें असहज महसूस हुआ, उन्होंने कोरोना जांच कराई, जिसके बाद जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आया। इस बात की जानकारी श्री मुंडा ट्वीट कर दी है। कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिलने के बाद श्री मुंडा ने लोगों से सजग और सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो भी अपनी कोरोना जांच जरूर करा लें। इधर श्री मुंडा के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिलने पर सिल्ली विधायक सह पूर्व मंत्री सुदेश महतो ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। कोरोना को लेकर झारखंड सरकार सख्त हो गई है। कोरोना की संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार कुछ अहम फैसले लिए हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति को लेकर रांची में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संबंधित विभागों के मंत्री और अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में कोरोना की रोकथाम के लिए कुछ अहम फैसले लिए गए। राज्य सरकार ने अगले आदेश तक सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया। हालांकि बैठक में यह फैसला किया गया है कि आने वाले महीनों में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं समय के मुताबिक ही होगी। मुख्यमंत्री की बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि रात 8 बजे के बाद सभी दुकानें बंद रहेगी। बार और रेस्तरां में केवल 50% लोगों को ही आने जाने की इजाजत मिलेगी। शादी समारोह सहित किसी भी तरीके के सार्वजनिक कार्यक्रम को केवल 200 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति मिलेगी। सरकार ने यह भी बड़ा फैसला किया है, 7 अप्रैल से सभी स्कूल और कॉलेजों की कक्षाएं ऑनलाइन ही आयोजित की जाएगी। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। सरकार ने अगला फैसला यह भी लिया है कि जिम और सभी मनोरंजन पार्क बंद रखे जाएंगे। मधुपुर में मतदान के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश, झारखंड सरकार ने जारी की अधिसूचना। मधुपुर में 17 अप्रैल को विधानसभा का उपचुनाव है। चुनाव के दिन उस विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले पूरे इलाके में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सरकारी कार्यालयों के साथ सार्वजनिक बैंकों में भी छुट्टी रहेगी। झारखंड सरकार की तरफ से इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी। इतना ही नहीं, उस रोज उस इलाके के व्यवसायियों और उद्यमियों को भी अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान के लिए छुट्टी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर संबंधित कारोबारी और उद्यमियों पर कार्रवाई की जाएगी, उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। आदिवासी युवकों को विदेशों में दी जाएगी निःशुल्क शिक्षा, मंत्री ने कहा। गढ़वा विधायक सह पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बुधवार को चिनई प्रखंड के बरवाडी गांव में प्लामो के प्रथम सांसद स्वर्गीय जेठन सिंह खरवार की प्रतिमा का अनावरण किया। मंत्री ने कहा कि यहां के लोग वीर सपूतों एवं महापुरुषों के नाम पर राजनीति करते हैं, चुनाव के समय उन्हें याद करते हैं और फिर चुनाव जीतते ही भूल जाते हैं, परंतु हम उनमें से नहीं है। जनता के साथ क्या हर वादा पूरा करेंगे। मंत्री ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार आदिवासियों के विकास के लिए कई योजना चला रही है। होनहार आदिवासी युवकों को सरकार विदेशों में निशुल्क शिक्षा देगी, साथ ही उनके लिए निशुल्क जेपीएससी, सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग आदि कोचिंग की व्यवस्था दी जाएगी। खबर है झारखंड के गोड्डा से। पहली बार आज से गोड्डा से दिल्ली के लिए चलेगी हमसफर एक्सप्रेस। झारखंड के गोड्डा शहर को भारतीय रेल की तरफ से सौगात में पहली ट्रेन हमसफर एक्सप्रेस मिली है। गोड्डा को वर्षों से रेल नक्शे पर लाने की कोशिश की जा रही थी, जो अब जाकर पूरी हुई है। 8 अप्रैल को गोड्डा रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए हमसफर एक्सप्रेस रवाना होगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेलवे की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस ट्रेन के लिए टिकट की बुकिंग 7 अप्रैल को ही 8 बजे से शुरू हो गई है। खबर है झारखंड के दुमका से। कानगोई रेलवे फाटक पर बनेगा ओवरब्रिज। दुमका सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि जामताड़ा के कानगोई रेलवे फाटक पर 38 करोड़ की लागत से रेलवे ओवरब्रिज बनाने की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी है। सुनील ने इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि उनके आग्रह पर केंद्रीय मंत्री जामताड़ा के कानगोई फाटक पर रेल ओवरब्रिज के निर्माण को हरी झंडी दी। इस बहुप्रतीक्षित ओवरब्रिज के बनने से कानगोई फाटक पर लगने वाले लंबा जाम के अलावा हादसों से निजात मिल सकेगा। आज झारखंड में कोरोना से 7 की मौत, 1312 पॉजिटिव, रांची में सिर्फ 562। कोरोना के मामले झारखंड में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को राज्य में 22,105 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 1312 संक्रमित पाए गए।
इस राज्य में प्रतिदिन मिलने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रांची में लगातार तीसरे दिन 500 से अधिक नए मरीज मिले। यहां बुधवार को कुल 562 नए मरीज मिले थे। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 149 मरीज मिले। राज्य में 24 घंटे के भीतर 7 मरीजों की मौत इलाज के क्रम में हो गई। राहत की बात यह है कि राज्य में पिछले 24 घंटे के भीतर 277 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। बुधवार को कहां से कितने मरीज मिले आइए जानते हैं। बुधवार को बोकारो में 39, चतरा में 10, देवघर से 34, धनबाद से 68, दुमका से 39, पूर्वी सिंहभूम से 149, गढ़वा से 13, गिरिडीह से 17, गोड्डा से 61, गुमला में 33, हजारीबाग में 48, जामताड़ा में 26, खुट्टी में 13, कोडरमा में 26, लातेहार में 28, लोहरदगा में 16, पाकुड़ में 2, पलामू में 3, रामगढ़ में 57, रांची में 562, साहेबगंज में 34, सरायकेला में 2, सिमडेगा में 11 और पश्चिमी सिंहभूम में 21 नए मरीज मिले। झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी में उम्र घटाने की मांग खारिज, अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में उम्र की कट अपडेट घटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी है। मामला जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2021 का है। जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की कोर्ट ने कहा कि सरकार की ओर से तय की गई कट अपडेट को चुनौती देने का कोई आधार नहीं बनता है। साथ ही कहा गया है कि सरकार के नीतिगत मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों को मिलेगा टास्क। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता गुरुवार को यानी आज निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ बैठक करेंगे, जहां कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। इसमें निजी अस्पतालों में बेड की क्षमता बढ़ाने, दवाइयों की उपलब्धता एवं वेंटिलेटर एवं अन्य उपकरणों की स्थिति एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विमर्श किया जाएगा। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कुछ टास्क भी अस्पताल संचालकों को मिलेंगे। बैठक में स्वास्थ्य सचिव के सोन तथा अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला व अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ बैठक के बाद रिम्स प्रबंधन के साथ बैठक होगी, जिसमें रिम्स में कोविड मरीजों के समुचित उपचार हेतु बेड, दवाइयां, वेंटिलेटर और अन्य उपकरण आदि के विषय में विस्तृत चर्चा की जाएगी। 15 अप्रैल तक झारखंड में पहुंचेंगे कोरोना वैक्सीन के 20 लाख डोज। केंद्र ने राज्य की मांग पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्य में कोरोना वैक्सीन की कमी और टीकाकरण अभियान पर प्रति असर को देखते हुए राज्य सरकार ने वैक्सीन के 10 लाख डोज मांगे हैं। केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी देते हुए दोगुना डोज देने की बात कही है। कोविशील्ड के 20 लाख डोज जल्द ही झारखंड पहुंचेंगे। राज्य टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर अजित प्रसाद ने बताया कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को कोविशील्ड वैक्सीन के 20 लाख डोज आवंटित करने पर स्वीकृति दे दी है। पहली खेप के रूप में 10 लाख डोज मंगलवार को ही पहुंचने थे, लेकिन देर से अप्रूवल मिलने के कारण ये नहीं पहुंच सके। अब 9 अप्रैल तक 10 लाख डोज पहुंच जाएंगे। इसके बाद बाकी 10 लाख डोज 15 अप्रैल तक राज्य को मिल जाएंगे। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में आज से गर्जन के साथ बारिश के आसार, 38 के पार पहुंचा पारा। राजधानी रांची सहित आसपास के कई इलाकों में अगले 26 घंटे तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। तापमान में उतार चढ़ाव कायम रहने का अनुमान है। वहीं अगले 6 दिनों तक अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे अधिक तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज का और सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज का ही रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 50% और न्यूनतम 20% दर्ज की गई। मौसम विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि रामगढ़, रांची, खुट्टी, गुमला, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ में गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने 2 दिनों का येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड में स्कूल बंद लेकिन खुले रहेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। कोविड 19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने फिलहाल स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है, लेकिन अब तक आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया। स्पष्ट है कि आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर झारखंड में 90,793 लोगों को लगा कोरोना का टीका। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर बुधवार को राज्य में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में कुल 90,793 लोगों का टीकाकरण हुआ। इसमें 86,594 लोगों को जहां पहली डोज लगी, वहीं 4,199 लोगों को दूसरी डोज का टीका भी लगाया गया।
आप सबको बता देना चाहता हूं कि बुधवार को राज्य में 45 वर्ष से अधिक आयु के 86,504 लोगों को पहली डोज का टीका लगाया गया। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट रोजाना आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा कि आप किस क्षेत्र से हो और किस तरह का न्यूज सुनना पसंद करते हो। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।